हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम एक ओल्ड न्यूज़पेपर बनाने जा रहे हैं जो कि 1947 में डिस्ट्रीब्यूट होता था घरों में, जिसका नाम था रिपब्लिक नेशन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक ऑरेंज कलर की शीट और उसके ऊपर मैंने एक बड़ी सी स्ट्रेट लाइन खींच दी है और साइड पे मैंने दो बॉक्सेस क्रिएट कर लिए हैं और एक साइड पे मैंने बनाया था चरखा और दूसरी साइड पे मैंने बनाया था अशोक चक्र, दैट इज़ इन ब्लू कलर। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ओल्ड न्यूज़पेपर बनाने की कोशिश करी थी तो मैंने इसको ऑरेंज कलर का लिया था। आप चाहे तो ब्राउन कलर का भी लें तो वो भी ओल्ड ही लगेगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अशोक चक्र विद 24 लाइंस। अब इसको हम कट कर लेंगे शीट के ऊपर से और इसको लगा देंगे हम न्यूज़पेपर के ऊपर। द अदर साइड वी विल मेक वन चरखा एंड उसके ऊपर हम लिखेंगे हेडिंग रिपब्लिक नेशन, जो कि है हमारे न्यूज़पेपर का नाम। और जो मेन हेडलाइंस है वो रहेगी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, दैट इज़ फ्राइडे अगस्त 15, 1947 इंडिया। और उसके बाद हम लिखेंगे सेलिब्रेट इंडियाज फ्रीडम। उसके बाद ऊपर वाली साइड पे मैंने छोटा सा एक डिज़ाइन बनाया था और डिज़ाइन बनाने के बाद इसके ऊपर मैंने लिखी थी हेडिंग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हेडिंग लिखने के बाद हम रेडी करेंगे न्यूज़पेपर को। तो नीचे वाली साइड पे मैंने एक कॉलम बना लिया था और वहाँ पे मैंने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखा था, सल्यूट टू ऑल फ्रीडम फाइटर विल बी आवर हेडिंग। और इसके बीच में जितना भी कंटेंट होगा मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नहीं होता, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ होता है। आप प्लीज़ ध्यान से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के एक बारी पढ़ा करो, आपको सब कुछ मिलेगा उसके अंदर। बट कुछ लोग स्टिल जान के कमेंट करते हैं कि उसके अंदर कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं दिख रहा। बट आप एक बारी ध्यान से देखोगे ना तो आपको सब कुछ मिलेगा उसके अंदर। एनीवेज उसके बाद हम लाइंस बनाने के बाद उसके अंदर सारा ही अपना कंटेंट लिख देंगे जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। उसके बाद मैंने एक फ्लैग बनाया था और फ्लैग को मैं पेस्ट कर दूंगी न्यूज़पेपर के ऊपर। और उसके बाद हम एक कॉलम बनाएंगे और कॉलम बनाने के बाद हम ये वाली साइड की भी हेडिंग लिखेंगे जो कि होगी इंडियाज़ फ्रीडम। इंडियाज़ फ्रीडम का आर्टिकल हम लिखेंगे, आप चाहे तो गूगल से भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उससे भी देख सकते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले हम बनाएंगे लाइंस और लाइंस बनाने के बाद हम लिखेंगे सारी ही सारी जो भी हमने कंटेंट रेडी करा था वो वाला कंटेंट हम इसके अंदर लिख देंगे। जब इसका कंटेंट हो जाएगा रेडी तब हम इसका जो थर्ड आगे वाला पार्ट है उसको रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए भी मैंने सबसे पहले बॉक्स बनाया और मैंने प्रिपेयर किया था एक इंडिया गेट, उसको मैंने कलर करा। आप चाहे तो फोटो कॉपी भी निकलवा सकते हैं बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि अगर आपकी हैंडमेड से आप बना के कुछ चीज़ प्रिपेयर करते हो तो वो चीज़ ज़्यादा सुंदर लगती है एज़ कम्पेयर टू फोटो कॉपीज। तो एनीवेज उसके बाद मैंने इसकी हेडिंग रखी थी सेलिब्रेशन एवरीवेयर। तो जब 1947 में जब हमारी इंडिया जब आज़ाद हुई होगी तो सोचो कितना ही खुशी का माहौल होगा उस टाइम पे। तो उसी से रिलेटेड मैंने इस वाले कॉलम को बनाया था और उसका कंटेंट मैंने लिखा था और उसका कंटेंट अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, नहीं तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं अगर आपको कंटेंट में कुछ नहीं मिलता तो। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे इस चैनल को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।